हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार हूँ। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। एग्जाम खत्म हुआ है मेरे दोस्त, रिलैक्स में आ गए और रिलैक्स में आने के साथ साथ बताएंगे कि एग्जाम कैसा गया, क्लास 12 कैसा बीता और जैक बोर्ड का परफॉर्मेंस क्या रहा एज कम्पेयर टू CBSE। क्लास 10 था CBSE एंड 12 में हो गया जैक बोर्ड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी एग्जाम खत्म हुआ, हम लोग पास टाइम बचा हुआ है, इस टाइम का क्यों ना यूज़ किया, क्यों ना कुछ आगे का कोशिश करें फ्यूचर में बढ़ने का। तो मेरा यूट्यूब मेरा शौक है, मेरा एजुकेशन पढ़ाना मेरा अलग से शौक है और सोशल साइंस सब्जेक्ट माय फेवरेट सब्जेक्ट। आपको पता होगा, मेरे चैनल के बारे में डिटेल जानना है तो वीडियो कुछ देखिए, समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो साइंस में मैंने लेकर पढ़ा हूँ और इकोनॉमिक्स ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। अब इसका वीडियो कल से अपलोड होगा, ऑल टू मॉडल सेट सॉल्यूशन, ताकि कुछ स्टूडेंट कुछ भाई लोग जो मेरे दोस्त लोग हैं मेरे जूनियर, उन लोग का डिमांड है कि भैया 11th का मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड है लेकिन सब हिंदी में है और उन लोग का डिमांड है कि इंग्लिश में बताया जाए उसको, इंग्लिश में कन्वर्ट करके कल हम सब और उसका सारा सेट का सॉल्यूशन डालेंगे। और केवल इकोनॉमिक्स ही नहीं, क्योंकि पढ़े तो हम सब कुछ हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा चीज़ है, लेकिन सारा चीज़ पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट लेकिन तैयारी कराएंगे मेरे दोस्त सारे सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। विश्वास रखो, जब तक एग्जाम 12 नहीं दे दोगे फाइनल, तब तक हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अब यूट्यूब करियर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो साथ छोड़ेंगे नहीं, बस सपोर्ट करना चाहिए मेरे दोस्त। थोड़ा सा मोटिवेट हम होंगे, तुम लोग अगर लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा मेरा चैनल को कर दो, थोड़ा सा तुम लोग सपोर्ट करो, बाकी सपोर्ट मैं करूँगा, एग्जाम का जिम्मेवारी मैं लूँगा, बस अपना डिटेल दूंगा। फिर रिजल्ट आने का इंतजार है, रिजल्ट अब देखिए कैसा आता है, एग्जाम बताते हैं कैसा कैसा गया है, कौन कौन, डिटेल बताएंगे। फिर 11th का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला 7 तारीख से, तो तुम लोग भी सब सीरियस हो जाए मेरे दोस्त। और उसके साथ सेकंड टर्म का भी सोल्यूशन दूंगा, हर एक 11th का चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, बस केवल मॉडल सेट का सोल्यूशन दूंगा। और 12th स्टार्ट करो, 12th स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जो स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट कर देगा। एक यूनिट में 12th का पढ़ा चूंगा। आज देखो कल गए थे, आज कल एग्जाम खत्म हुआ है, आज से देखो रेडी हो गए, लग गए फ्यूचर में, अपना काम में लग गए, लग जाना है। एक जहां लक्ष्य खत्म होता है अगले लक्ष्य पे निशाना लगा लेना है। 11th खत्म हो गया मेरे दोस्त, तुरंत 12th स्टार्ट करो, जस्ट अभी इस चैनल से जुड़ जाओ, सारा चीज़ मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का केमिस्ट्री का, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम मतलब कि अब साल भर नहीं भी पढ़े ना तो 60-70% आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बता देंगे। और जो चैप्टर शुरू से पढ़ाएंगे, आप पढ़े होंगे शुरू से पढ़िएगा तो 90+ कोई नहीं रोकता है मेरे दोस्त। अगर स्टार्टिंग से आप पढ़े हैं कोई भी सब्जेक्ट तो 90+, स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं एग्जामिनेशन के 2 मंथ पहले पढ़े हैं फिर भी 60-70% कोई नहीं रोकने जाता है। और कोई अच्छा से जुड़ गए, कोई भैया या टीचर के साथ अगर जुड़ गए जो कि जानकारी ले चुके हैं, जैसे कि देखो मैं 10th में पास किया 12th, तो 10th CBSE में पढ़ने का आदत था 8 घंटा पर डे, 8 घंटा से कम नहीं पढ़ता था, तो सोचा वही आदत 12th में बना रहे, तो 12th CBSE नहीं किया, हम जैक बोर्ड से ले लिया, हम सोचे कि CBSE से केवल 12th करना है। मेरे बारे में वीडियो बना हुआ देखना, पता चल जाएगा सब कुछ, बताएं कि क्यों हम यहाँ लिए, सोचे कि 12th करना है तो बस क्या हाल, अपना पैसा फंसा है CBSE में, यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन पढ़ने का आदत है 8 घंटा तो पढ़ते थे, मेहनत किए, लेकिन उतना मेहनत का ज़रूरत नहीं है जैक बोर्ड में जितना कि CBSE में होता है, हम करके देख लिए। तो मेहनत भी उतना ही करना है, मेहनत कौन दिशा में कितना करना है यह सब अगर जानकारी रहता है तो कम मेहनत में भी हम लोग अच्छा हासिल कर पाते हैं स्कोर। तो जो झेल चुका है वही बताएगा, जैसे कि हम हो गए, हमारे जो दोस्त लोग हो गए या कोई टीचर हैं जो झेल चुका है वही बताएगा रियल चीज़ क्या होता है। तो तुम लोग को ज़्यादा झेलना ना पड़े, बस सहयोग रहना चाहिए मेरे दोस्त। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, कोई मैं पहले से पढ़ाया नहीं, 12th पढ़ाया हूँ एक चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन दिया हूँ, आप 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से एंड सेकंड पढ़ाई करूँगा, लेकिन पहले अभी 11th कंप्लीट करिए, 11th एग्जाम दीजिए। 11th नहीं पढ़े होंगे कुछ कुछ बच्चे, हम जान रहे हैं पढ़ते नहीं 11th, बहुत फाकी मार देते हैं ना, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मॉडल कर कंप्लीट 11th में पास होना है। 11th का रिजल्ट कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, वो स्टूडेंट भी बहुत कम पढ़ता है, वही पढ़ता है जो फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, जो बनना चाहता है कुछ, हमको इस सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट लेना है, आगे बढ़ना है। आप सिविल सर्विस का तैयारी करिए, कोई भी सिविल सर्विस स्टेट बोर्ड का हो, UPSC का हो, JPSC का हो, अगर आर्ट्स नहीं पढ़िएगा तो नहीं निकलेगा, आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग में जाना है तो साइंस, मेडिकल में जाना है वो सब, लेकिन अगर कोई जनरल कंपटीशन तो बिना आर्ट्स पढ़े आपको नहीं होगा। तो जो कुछ करना चाहते हो तो पढ़ते होंगे स्टार्टिंग से। और 12th देखो, 12th रिजल्ट बनाओ, मेहनत लाओ और किसी से कंपेयर मत करो। एक थॉट लिखे हैं, तुम किसी से कम नहीं, जितना सोचते हो उससे तुम क्या हो, अच्छे हो उससे ज़्यादा हो।
तू अपने आप के बारे में सोचते हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ, वो भैया तेज है, वो सर ऐसे, कोई नहीं तेज होता है, मेहनती होता है। जैसे कि हम, मैं मेहनती हूँ मेरे दोस्त, अपने आप को मानता हूँ कि मैं मेहनती हूँ और मेहनत पर ही विश्वास रखता हूँ। अब मेहनत किस्मत में हम बहस नहीं करेंगे, उसके पर भी वीडियो बना दिए हैं, देख सकते हैं मेरे चैनल पे सब कुछ डाला हुआ है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हाथ में कर्म है, कर्म करते हैं, बस मेहनत को मानते हैं। तेज कोई नहीं होता है, बस पढ़ेगा खुद पे खुद तेज हो जाता है। तो मोटिवेट करने के लिए आज मैं वीडियो बना हूँ, रिलैक्स एग्जामिनेशन बताऊँगा कैसे किया गया, बताता हूँ, वीडियो बड़ा नहीं बनाऊँगा। एग्जाम अच्छा ही गया, थोड़ा सा केमिस्ट्री में दिक्कत हुआ था, अभी पढ़ाई थोड़ा सा बीच में लॉकडाउन में गड़बड़ाया था उसी के कारण, लेकिन खैर अच्छा गया। और ज़्यादा मॉडल सेट से क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिलेबस जो पढ़े हैं ना उससे कम थे, मॉडल सेट से ज़्यादा थे, क्योंकि पढ़ाई हुआ नहीं था, दो मंथ में फिर सब्जेक्टिव होने लगा, ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रहा था, फिर सब्जेक्टिव अनाउंसमेंट हो गया, और दो मंथ में सारा सिलेबस करना। और 12 का ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, 12 का ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है मेरे दोस्त, हम पढ़ के देखे हैं। केमिस्ट्री को बेसिक मजबूत करना, 11 से पढ़ना स्टार्ट करना, नहीं तो 12 बहुत हार्ड लगेगा, केमिस्ट्री स्पेशल, तो उसका स्टार्ट कर रहा हूँ उसका एग्जामिनेशन। तो बस मॉडल किए ना तो उसे 60-70% क्वेश्चन आ गया, 60-70% आ गया मेरे दोस्त। फिर भी मेरा एक क्वेश्चन उसमें गलत हुआ केमिस्ट्री में, और मैथ का एक लास्ट में LPP का क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ग्राफ में गलत कर दिया, बाकी एग्जाम अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 80% तो आराम से रिजल्ट, उसमें कोई अथी नहीं है, 80-85 तक, अब तो क्या होगा रिजल्ट देखेंगे, लेकिन इतना अपने से अनुमान है कि आ गया है। तो बस अब 11th में तुम लोग को अच्छा से एग्जामिनेशन दिया कर, और 12th की तैयारी स्टार्ट कर देना है, रिजल्ट ला, बम बम करो, एंजॉय करो, ऐश मौज करो। आज हम लोग घूम के आ रहे हैं रिजल्ट देने के बाद, रेस्ट किए, पूरा एंजॉय किए, लेकिन एंजॉय भी उतना ही करना है जितना कि पच जाए हम लोग को, मतलब कि होता ना कंट्रोल में, क्योंकि केवल 10th और 12th नहीं फ्यूचर देखना है, जो फ्यूचर के बारे में देखने लगा, सोचने लगा, उसका जीवन बम बम। पढ़ो लिखो, एंजॉय करो, बी रेडी फॉर योर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के लिए तैयार रहो मेरे दोस्त। बस मेरा सहयोग यही रहेगा कि हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या हर एक चैप्टर का रिव्यू पढ़ाऊंगा मैं, एक केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, हो सके तो इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, मतलब तो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करना है, इकोनॉमिक्स में आगे करियर बनाना है, तो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ाता था पहले, पढ़ता था तो सब छूट गया, तो इंटरेस्ट सबसे कम हो गया, लेकिन ग्रेजुएशन में सब लूँगा, लेकिन इकोनॉमिक्स से मैं स्टडी करूँगा। और इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त जो कंट्री को चलाता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12 का है, देखो 4-5 वीडियो बनाए हुए मेरे चैनल पर, देख लो सब समझ में आ जाएगा। तो जो देश को चलाता है, इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो बस क्या मार्केट, क्या सिस्टम, क्या गवर्नमेंट, कौन कितना क्या करना है, कहाँ बजट, बजट चैप्टर क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो सब कुछ है इकोनॉमिक्स में। आप एक सेक्रेटरी जनरल का पद नाम सुने हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, निर्मला सीतारमण क्या है इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो यह सब, अरुण जेटली जी हमारे नहीं रहे, तो यह सब इकोनॉमिस्ट देश को चलाते हैं, संभालते हैं। इकोनॉमी में इंटरेस्ट लो, और हम पढ़ाएंगे ना तो इंटरेस्ट नहीं जगा देंगे तो मेरा नाम आशुतोष कुमार नहीं, चैलेंज के साथ बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो उसका तैयारी होगा, प्रिपरेशन क्लास 12 का होगा, आफ्टर 4 weeks 10 days बात करते, इसलिए हम लिख दिए कुछ कुछ कि बात करते करते भूल जाएंगे, 4 weeks 10 days के बाद वीडियो बन रहे हैं, बस एग्जामिनेशन में किसी से कोई मतलब नहीं था, वही थंबनेल दिया ना, हमको भी किसी से मतलब नहीं रखना है, जिसको जहाँ जाना है जाओ, अब एक साल मेरे भाई जी जान से लगा दो, मेरा विश्वास करेगा, मैं बिहार से हूँ, एक साल से घर नहीं गया हूँ, बीच में गया था कुछ काम से, बस एक दो दिन में आ गया, एक साल से घर नहीं गया हूँ, तो तुम लोग भी एक साल के लिए भूल जाओ कि 11th दो, पढ़ो, पढ़े या नहीं पढ़ो सब मायने नहीं रखता है, तैयारी कराते एग्जामिनेशन का हम वहाँ से दो, और बस मॉडल करके जाओ, पास हो जाओ, टेंशन फ्री, पढ़े नहीं हो तो क्या करो, पास हो जाओ, पढ़े रहोगे तो 90+ नहीं तो 80+ तो जरूर। चलिए उसके बाद 12 स्टार्ट करिए, और कुछ है जैक बोर्ड, चलिए बोर्ड, जैक बोर्ड ठीक है, कोई भी बोर्ड बुरा नहीं होता, बस पढ़ना है, नॉलेज लेना है, जैक बोर्ड से थे तो इसी के बारे में हो गया, और कुछ नहीं लिखे हैं, सबका नॉलेज के बाद थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है, थोड़ा सा लाइक कर देना है, अभी 120 को सब्सक्राइबर होगा, थोड़ा सा सहयोग करो दोस्तों में, थोड़ा शेयर कर दो मेरे दोस्त, बस एक भैया हम लोग के लिए आ चुके हैं, बोर्ड की एग्जामिनेशन दे कर आए हैं, जानते हैं कि कैसा पैटर्न क्वेश्चन रहता है, क्या जैक बोर्ड है, तो सारा कुछ हम जान रहे हैं, और सब कुछ शुरू से अगर तुम सीखोगे, मेरे चैनल से जुड़े रहोगे मेरे दोस्त, 90+ नहीं आएगा तो बस कह देना कि भैया जो है तो बेकार बोलते हैं,
एकदम बेकार बोलते हैं। जैसे गाइडेंस देंगे कि फिजिक्स में ऐसा करो, केमिस्ट्री में ऐसा करो, मैथ में ऐसा करो, सब का गाइडेंस देंगे, पढ़ाएंगे भले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 10 यूनिट है, 10 माइक्रो एंड 10 मैक्रो, जैसे 11th में पढ़े वैसे 12th में बटा हुआ है, उसमें स्टैटिकल था इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी 11th, तो 12th में भी दो प्रकार है, माइक्रो एंड मैक्रो, तो दोनों को पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। जो नोट से हम पढ़े हैं वही नोट से, ठीक है। मैं इंटर साइंस कॉलेज से पढ़ाऊँ हजारीबाग से, तो आप लोग जहाँ से होंगे बताइएगा, कमेंट करिए कि मैं यहाँ से, तो वो ऐसे नोट से पढ़ाऊँ। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो फिर अनुपम अग्रवाल जी का बुक रखिए, बुक पर डिटेल पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज किताब से होता है। नोट से आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं अच्छा से, लेकिन नोट से मतलब उतना नॉलेज नहीं होता है, डीप में लेना तो बुक पढ़ने पड़ता है। अब बुक नहीं पढ़ना, बस केवल फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाना है, तो मैं जो नोट्स दूंगा, जो लिखवाऊंगा, बस कर लो, छोड़ो, बुक हटाओ। अगर वो भी नहीं करते हो तो नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा ना, जब करवाऊंगा ना, तो उस समय बुक पढ़ो या मत पढ़ो, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, मेरा जो कराया है वो सिलेबस कंप्लीट करो, बम बम रहो। और मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, याद रखना, इंटरेस्ट जो मतलब जो जैसे कि मतलब क्रिकेट खेलना इंटरेस्ट है, वो खेलने के लिए मिल गया तो मज़ा दे देगा, तो हमको कुछ करने का मन नहीं करता, उसके और भाषण देने का, पढ़ाने का इंटरेस्ट, सोशल साइंस में मतलब कि हम समाज से जुड़ना चाहते हैं, लिंक होता है ग्राउंड लेवल पे, तो कहिएगा कि सिविल सर्विस का है नहीं ज्वाइन करते हैं, अतः तैयारी होगा, तैयारी करना है, पढ़ना है, अभी तो 12 पास किए हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आगे कंपटीशन का एग्जाम देंगे, उसके बाद ना वहाँ पहुँचेंगे, तो रास्ता यही सब ना है, तो बस ग्राउंड लेवल से जुड़े रहना है। कोई ऐसा नहीं कि आप सिविल सर्विस से जुड़ के ही समाज सेवा कर सकते हैं, आप अपने अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को लाइए। आप केवल पढ़ने से नहीं, केवल पढ़ने पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए सब पढ़ रहा है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप मान लीजिए गेम खेलते हैं मोबाइल में, गेम खेल के कुछ करिए, आप मन जो शौक है, गाना गाते हैं, गाना गाइए, कुछ बनाइए, आज सोशल मीडिया का दौर है, बनाइए यूट्यूब चैनल ही बनाइए, स्टार्ट करिए जनरी, पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है, आपको कुछ बेचना आता है, MD सर हमारे बोले थे, क्या बोलते हैं, A2 सर, आपको अगर बेचने का कला है तो आप बेचिए, हर कोई को बेचने का कला नहीं होता है, तो उस सब हम अभी मोटिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन मोटिवेट करते हुए पढ़ाएंगे, बिना मोटिवेशन का पढ़ने मन नहीं लगता, लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो तुम सब कुछ हो, जो तुम सोचते हो अपने बारे में मेरे दोस्त, तुम उससे अच्छे हो, तो किसी से कंपेयर मत करना, और छोड़ दो दुनिया जहाँ को, एक साल के लिए मेरे से जुड़ जाओ, और रिजल्ट 95+ लाओ, 90+ तो सब लाते हैं, 95+ लाओ। अब इस बार होल सिलेबस पढ़ना है, कोई रिड्यूस नहीं, कोई चैप्टर कटिंग नहीं, 10 यूनिट इकोनॉमिक्स का है, 10 को मैं डीप में पढ़ाऊंगा, विश्वास रखो बस। अब मेरा थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दो, कल मैं इंग्लिश में मॉडल सेट टर्म 1 का सारा सॉल्यूशन दूंगा, पूरे यूट्यूब पे कोई इंग्लिश में वीडियो नहीं डाला है, मैं डालूंगा इंग्लिश में, बहुत स्टूडेंट का डिमांड है, तो जुड़ जाओ मेरे चैनल से, और उसके बाद शेयर करो थोड़ा सा, बस हमको हेल्प कर दो। अब अभी मैं 1 महीने पूरा एकदम पूरा फ्री हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या करूँगा, बस यूट्यूब पर ही काम करना है अभी जस्ट, अब आगे छोड़ूंगा नहीं, अगर लग गया मेरे दोस्त, तुम लोग का सपोर्ट प्यार मिला तो फिर छोड़ना क्या है, साइड में करते भी रखें, 2 घंटा काम यूट्यूब पे करेंगे, बाकी अपना पढ़ते लिखते जो है अपना रूटीन तो हम वो भी शेयर करेंगे कभी, तो बस वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, आज थोड़ा सा माइंड रेस्ट में उतना नहीं लग रहा है, थोड़ा सा थका हुआ है, तो सोचे कि बस इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि कल से हम आ रहे हैं, कुछ कुछ काम देखे थे कि कमेंट कर रहा है कि भैया इस काम को चाहिए हम पढ़ें गुरु सर का, तो बस और कुछ नहीं था, बस इतना ही मेरे दोस्त, पढ़ो, कंपेयर मत करो, मोटिवेट हो जाओ, और 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट बहुत मायने रखता है, आपको भी बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो मेरिट लिस्ट निकलता है, देखा जाता है कि स्टूडेंट मतलब आप पढ़ने लायक, मतलब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रिजल्ट बनाओ, पार्टी करो, बम बम सारे को भूल जाओ, ओके, बस वीडियो को एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, ओहो हो 14 मिनट क्रॉस कर रहा है, उसके लिए सॉरी, बस 12th, बस 11th छोड़ो ही 11th, बस जितना करा दूंगा उतना कर लो, बस स्टार्ट करो, तो बस आज के लिए इतना है मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमसे जुड़ जाना, ताकि रिजल्ट खराब ना हो, ना लगे कि चैनल से पढ़े नहीं थे, भैया से गाइड नहीं लिए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो भी हो, मेरे बहन हो, भाई हो, जुड़ जाओ और हमको सपोर्ट कर दो, हम रिजल्ट का जिम्मेवारी लेंगे और तुम लोग को सपोर्ट करो, एकदम सब कुछ पढ़े हुए डीप में, क्या बोल रहा है, साल भर से हम घर नहीं गए हैं एकदम, अभी देखो छुट्टी का सब कहाँ कहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हम अपना काम में लग गए, तो वही आदमी तेज है जो एक लक्ष्य को कंप्लीट करके अगले लक्ष्य पर निशाना टिका लेता है। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद करो, लाइक करो और थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, ओके, खुद से पढ़ो और आगे बढ़ो।